हेलो व्यूअर्स, मेरे साथ आज अनुश्री बडोला है जो मेरी पुरानी स्टूडेंट है। जब मैं उत्तराखंड में कोटद्वार में गुरु रामराय पब्लिक स्कूल में था तो ये मेरी स्टूडेंट रही है और काफी अच्छी स्कॉलर्स हैं और आजकल अलास्का में हैं। आज हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने कैसे अपनी जर्नी को कम्प्लीट किया और क्या ये आजकल कर रही है, किस एरिया में काम कर रही है और कैसे यहाँ तक पहुंची। तो अनुश्री, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये बताएं हमें कि कहाँ से बिलोंग करती हैं आप, क्या बैकग्राउंड है, क्या किस तरह से आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। तो जैसे अभी सर ने बताया कि मैंने कोटद्वार में उनसे पढ़ा है, तो मैं कोटद्वार से बिलोंग करती हूँ। कोटद्वार जिनको नहीं पता, वो एक छोटा सा प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल सा प्लेस है, छोटी सी वैली है सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल माउंटेन्स। तो मेरा चाइल्डहुड वहीं बीता है एंड वहाँ पे मैंने बचपन से केवल एक ही स्कूल में पढ़ा, श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल। तो LKG से लेके 12th तक मेरा उसी में बीता है। मेरी मम्मी टीचर रही हैं वहीं पे और अभी भी वो वहीं पे पढ़ा रही हैं एंड पापा मेरे डॉक्टर हैं, तो हमेशा डॉक्टर टीचर्स के बीच में रही मैं और आज मैं कुछ अलग ही कर रही हूँ। तो यही मेरा तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप 12th में थी, 10th के बाद जब 11th 12th में आई, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते थे और उनको कैसे मैनेज किया आपने? तो मेरे मेजर सब्जेक्ट्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। सुनने में लगता है कि हाँ, बायो थोड़ा डिफिकल्ट होती है या ऐसा, लेकिन बायो में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था और मैथ्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो बायो मैथ्स मुझे लेनी थी उस टाइम पे। फिर फिजिक्स मैंने मैनेज कर ली थी क्योंकि फिजिक्स मैंने आपसे पढ़ना शुरू किया था एंड फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया था काफी, तो फिजिक्स भी कवर हो जाती थी। बट हाँ, केमिस्ट्री मेरे लिए हमेशा एक डेंजर चीज रही एंड मेरे को बहुत डर लगती थी केमिस्ट्री से। मम्मी ने ट्यूशंस ज्वाइन करवाए, मेरे से ज्यादा ट्यूशन में पढ़ा नहीं गया, मैं ट्यूशन छोड़ देती थी, मुझसे नहीं हो पाता था केमिस्ट्री। बहुत डर लगती थी केमिस्ट्री देख के। यही बात मेरे साथ भी है, केमिस्ट्री से मुझे भी बहुत डर लगता था जब मैं पढ़ता था, आज भी डर लगता है मुझे केमिस्ट्री से। अच्छा, तो फिर केमिस्ट्री को कैसे मैनेज किया? फिर फाइनली जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जरूरी है, चाहे कोई 12th के बाद कोई भी एग्जाम देना है, ये देनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। एंड उस टाइम पे वो बड़ी बड़ी बुक्स देख के, दिनेश की बुक चलती थी, एक दो बुक्स और थी, HC वर्मा, उन सबको देख के डर लगता था। तो मुझे ऐसे सडनली दिमाग में आया कि CBSE ने NCERT सजेस्ट करी है, तो क्यों ना सिर्फ NCERT पढ़ें, वो तो पतली पतली बुक्स होती हैं। तो मैं NCERT लेके बैठ गई और मैंने बिल्कुल एक बोर्ड में लगा दिया कि नहीं, बस NCERT पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं और कुछ पढ़ती तो मैं बहुत कंफ्यूज कर जाती। और उस NCERT ने ही मुझे पास कराया, मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करी और मुझे बचा दिया। ठीक। अच्छा, जो 12th में जब आप थे तो आपके दिमाग में कोई एम सेट था कि मुझे ये बड़े होके बनना है, या एमलेस थे आप? जैसे मतलब कॉमन पेरेंट्स की थिंकिंग होती है, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक नॉर्मल चीज होती है। मेरे पेरेंट्स की भी कुछ ऐसी ही थी कि शायद हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी, और मेरे पास दोनों सब्जेक्ट्स भी थे, तो कंफ्यूजन तो कुछ था ही नहीं, मतलब बायो भी थी और मैथ्स भी थी। बट मुझे कभी ना मेडिकल में इतना इंटरेस्ट रहा, ना ही मुझे इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट रहा। बचपन से ही मैं एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी, मैं छुट्टियों में गांव जाया करती थी अपने विलेज, जहाँ पे बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में, और पेड़ों में खेलती थी, जानवरों से अटैचमेंट था, एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था बचपन से। मम्मी डांटती थी तो पेड़ों में जाके छुपती थी। अच्छा, ऐसा मेरा बचपन रहा है। तो मुझे कुछ जो भी करना था, मुझे ऐसा करना था जिसमें मैं खुश रह पाऊं। और मुझे थोड़ा रियलाइज होने लग गया था कि शायद मुझे कुछ इसी तरह का करना है, कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड। फिर जनरली बैचलर्स में एनवायरमेंट साइंस की डिग्री, मैंने उस टाइम पे ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं था, कोटद्वार एक छोटा ही सिटी था और उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह इतना था नहीं, तो ज्यादा आइडिया किसी जगह का था नहीं। कहीं से बस पता था कि पंतनगर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कुछ ऐसा होता है। अच्छा, लकीली वहां का एग्जाम निकला एंड मुझे फॉरेस्ट्री का। कौन सा एग्जाम था जिसके थ्रू आप इसमें गई? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है पंतनगर यूनिवर्सिटी का। अच्छा, पंतनगर यूनिवर्सिटी का होता है। ठीक।
उसमें काफी सारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, आई थिंक अब वो बंद कर दिया उन्होंने फॉरेस्ट्री. अच्छा अच्छा तो हमारे टाइम पे फॉरेस्ट्री वो कराते थे, तो उसे वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली. मतलब उसे देख के मुझे लगा हाँ ये मुझे करना है, इसमें मैं खुश रहूंगी. और मतलब बिना ये सोचे कि इसमें आगे क्या होगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा था. मुझे बस इतना पता था कि ये मेरे इंटरेस्ट का है. अगर ये कोर्स एग्जिस्ट करता है मतलब इसमें फ्यूचर होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बिना किसी रीजन के नहीं होती. और अगर इसमें फ्यूचर नहीं है तो इसमें फ्यूचर बनाना है, क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ द आवर. अभी हमें जरूरत है अपने पेड़ों को बचाने की, इन्वायरमेंट को बचाने की. और उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ वही, पापा इतना सजेस्ट कर रहे थे कि मेडिकल की कोचिंग ले. मेरा BDS वगैरह में हो गया था, मेरा मेडिकल में भी कुछ मार्क्स से मिस हो गया था. तो मतलब पापा चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं. मेरा भाई डॉक्टर है, वो तब तक MBBS करना शुरू कर दिया था उसने. तो सबको उम्मीद थी कि ये डॉक्टर बनेगी, पापा को भी काफी था. लेकिन मेरा वो इंटरेस्ट कभी रहा ही नहीं. मुझे हमेशा बचपन से ही ट्रीज में, इन्वायरमेंट में मुझे बुरा लगता था. मेरे फ्रेंड्स कहीं पे कुछ खा के पैकेट ऐसे फेंक देते थे, तो मेरी लड़ाई होती थी मेरे फ्रेंड्स से कि नहीं. अच्छा, ऐसे तो फेंकिए नहीं. एक मिनट इंटरप्ट करूंगा मैं, तुम तो डांस भी करती थी काफी इधर उधर, है ना? हाँ सर, तो मंदिर अभी भी करती हूँ सर डांस. डांस मेरी हमेशा हॉबी रही है, तो मैं कभी प्रोफेशन इसे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. जब मैं अपने वर्कलोड से परेशान रहती हूँ तो मैं डांस करती हूँ. अगर मैं इसी को प्रोफेशन बना लूंगी, मैं उस चीज से परेशान हुई कभी, तो मैं क्या करूंगी? सो दैट्स व्हाई ये मैं हमेशा डांस को अपना एज अ हॉबी रखा है. डांसिंग एंड पोएट्री, ये दो चीजें मेरी हमेशा हॉबी रही है, तो इन्हें मैं कभी प्रोफेशन नहीं बनाती. अच्छा, फिर फॉरेस्ट्री में करा आपने? फिर फॉरेस्ट्री के बाद मुझे उस टाइम पे ऐसा रियलाइज हुआ कि आगे अगर कुछ करना है एनवायरमेंट के लिए तो फॉरेस्ट सर्विसेज काफी फेम्ड चीज है. इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम निकालो, UPSC की तैयारी करो. फिर मैं भी ऐसे ही उठ के दिल्ली चली गई कि अभी UPSC की तैयारी करनी है. वहां पे जाके फिर काफी, वो एक साल मेरा काफी एक्सपोजर मिला मुझे. मुझे काफी चीजों के बारे में पता चला. दिल्ली में थी, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा था, चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिला. डिफरेंट एरियाज पता चले कि इंसान कहाँ कहाँ और जा सकता है. सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही लास्ट ऑप्शन नहीं है. दुनिया में काफी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है. वहां मैं गई, वहां प्रिपरेशन करी. मेरा फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ, तो वो ऑब्वियस था क्योंकि उसके लिए हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, और उतना मैं नहीं दे पाई. और एक साल में मुझे वैसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे एक बार ट्राई करके देखना था. फिर मेरा सिलेक्शन वहां पे नहीं हुआ, बट मैं काफी सेटिस्फाइड थी कि मैंने इन एक साल में काफी कुछ सीखा. मैंने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी. आज की डेट में मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा खासा नॉलेज है. आज मुझे अपनी हिस्ट्री का इतना नॉलेज है, मुझे ज्योग्राफी का इतना नॉलेज है कि मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे साथ के बच्चे मेरे मुझसे अपनी ट्रिप प्लान करवाते हैं, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी, नाउ एटलस इज माई बेस्ट बुक. एटलस मैं नॉर्मली रीड करती हूँ, एटलस में मार्क करती हूँ यहाँ जाना है, ये यहाँ पे है. काफी सारी, काफी डीप नॉलेज मिला मुझे इन सब चीजों से. तो आज के डेट में मैं अपने कंट्री को डिफेंड कर पाती हूँ विद प्रॉपर फिगर्स एंड फैक्ट्स. वो सिर्फ इस वजह से कि मैंने वो एक साल में पढ़ा वो सब. आज कोई डिस्कशन होता है तो मैं कॉन्फिडेंटली वहां पे बोल पाती हूँ कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, या फिर ये चीज है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए. सो आज मेरे पास फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं. ये चीज लाइफ में कॉन्फिडेंस दिलाता है. दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग, बट ये नॉलेज होने से हम कुछ भी कर सकते हैं. हम कोई भी, हम कहीं इंटरव्यू में जाएं, हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें हर एरिया का नॉलेज है. सो स्कूल में साइंस साइड पढ़ लिया, देन आर्ट साइड पूरा उसके बाद पढ़ लिया, देन आई फेल्ट हाँ नाउ I have enough knowledge. At least I have basic knowledge of each and every subject. Then उसके बाद उस time पे मैं जब दिल्ली में थी, मैं science and technology and current affairs में remote sensing बहुत पढ़ती थी. And then suddenly मुझे strike हुआ कि Indian Forest Services में केवल administrative job है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ innovative करना है
तो कुछ और करना पड़ेगा. एंड फॉरेस्ट ऐसी चीज है जो काफी रिमोट है, काफी वास्ट है, मतलब हम इजीली जाके डेटा नहीं ला सकते हैं. एंड रिमोट सेंसिंग इज द न्यू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर फॉरेस्ट. तो हमें रिमोट सेंसिंग जाननी पड़ेगी अगर हमें कुछ करना है उस फील्ड में, कुछ इनोवेटिव करना है. फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं रिमोट सेंसिंग कहाँ कहाँ से कर सकती हूँ. एंड बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा वो इसरो का एक इंस्टीट्यूट है देहरादून में. IARS देहरादून, तो उनका कोलैबोरेशन है ITC नेदरलैंड के साथ, जो कि रिमोट सेंसिंग की काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, नेदरलैंड में है. इनका कोलैबोरेशन है साथ में, तो 6 मंथ हम लोग एडवांस कोर्सेज के लिए नेदरलैंड जाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द टाइम हम IARS में रह के पढ़ाई करते हैं. तो मुझे जब वो अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया, मुझे बस हो गया हाँ ये करना है. और उस टाइम पे मैंने FRI का भी फॉर्म भरा था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का फॉर्म भरा था. मेरा FRI में हो गया था एंड यहाँ का रिजल्ट थोड़ा डिले हुआ था, इनके नेदरलैंड के हिसाब से चलता है तो थोड़ा रिजल्ट डिले हो गया था. वो FRI में मेरा स्टार्ट हो गया था, 2 मंथ मैंने वहां पढ़ा, सडनली यहाँ का रिजल्ट आया, देन मैंने शिफ्ट कर लिया इधर, क्योंकि मुझे पता था कि दिस इज द थिंग जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं कुछ नया कर सकती हूँ उसमें. देन मैं IARS में पढ़ा, नेदरलैंड गई 6 महीने, ऑलमोस्ट यूरोप के मेजर एरियाज घूम लिए. ट्रैवलिंग इज माई अनदर हॉबी, मुझे ट्रैवल करने को मिला, एक्सप्लोर करा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में घूमे, वहाँ पे पता चला कि लाइफ में आगे क्या क्या कर सकते हैं इस फील्ड में, कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च हो रही है, कहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिसर्च हो रही है. हम लोग स्टडी टूर में गए थे तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, यूरोप की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का एक एक्सपोजर मिला, काफी कुछ पता चला वहाँ पे कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है. देन वहां से जब वापस आई तो फिर मेरा एक जगह कैंपस प्लेसमेंट हुआ. देन उसके बाद मुझे ये तुरंत ही अपॉर्चुनिटी मिल गई. फिर थोड़ा मैंने अप्लाई किया, थोड़ा रिसर्च किया, अभी जहाँ पे मैं अभी करेंटली हूँ एज अ PhD स्कॉलर, उसका थोड़ा मैंने रिसर्च करी कि कैसा है, वो मेरे इंटरेस्ट का था, तो फिर मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया एंड देन आज मैं यहाँ हूँ. अच्छा अच्छा, तो आजकल जो आप रिसर्च कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए. तो अभी मैं एक नासा का प्रोजेक्ट है यहाँ पे, नासा फंडेड प्रोजेक्ट है एप्सकोर के अंडर, तो करेंटली मैं उस पर काम कर रही हूँ उस प्रोजेक्ट के अंडर. एंड मेरा बेसिकली जो फील्ड ऑफ एरिया है वो है बोरियल फॉरेस्ट फायर. तो वो फॉरेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, सो सिमिलरली बोरियल फॉरेस्ट होता है जो इन एरियाज में, तुंद्रा फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट, ये इन एरियाज में पाया जाता है ये फॉरेस्ट. तो इन एरियाज में फायर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ का जो पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है उनमें रीजन्स होते हैं एंड उन रीजन्स से बहुत ज्यादा फायर होती है. यहाँ पे थंडरस्टॉर्म भी बहुत होता है, लाइटनिंग की वजह से बहुत ज्यादा फायर होती है. तो फॉरेस्ट फायर यहाँ का बहुत मेजर कंसर्न है, लोगों तक के घरों में फॉरेस्ट फायर आ जाती है कई बार. अच्छा. तो ये जब टॉपिक मुझे दिखा तो काफी इंटरेस्टिंग लगा. मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड इज वेल नोन फॉर फॉरेस्ट फायर्स. सो मुझे लगा कि मैं बाद में अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ कर पाऊंगी, यहाँ से कुछ सीख के आऊंगी, तो देन मैं इधर आई. एंड सो अभी जो मेरा पूरा काम चल रहा है वो फायर पे ही चल रहा है, किस तरह से हम उन फ्यूल को मैप कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरीज डाउनलोड करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा ट्री है, फील्ड डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, देन हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा ट्री है, कहाँ पे आग ज्यादा खतरनाक लगेगी तो फायर फाइटर्स को वहां भेजा जाए फॉर प्रिवेंटिंग मेजर्स वो वहां पे. सो इस तरह का वर्क है. बाद में फिर थोड़ा जैसे फर्दर एक्सटेंड होगा अभी मेरा, लाइक बर्न सीवियरिटी, किस सीवियरिटी से बर्न हुआ फॉरेस्ट फ्लोर, कितना रिकवर हो रहा है, कितना लॉस कर दिया है फॉरेस्ट ने. सो अभी मेरा जो भी स्टडी चल रही है वो इन्हीं चीजों के अराउंड चल रही है. ठीक ठीक, तो इसको करने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी, मतलब किस तरह की जॉब्स में जा सकते हैं, वहीं पर जॉब करने का इरादा है या यहाँ पे आएंगे इंडिया में, तो किस तरह की जॉब में जा सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में. तो अभी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं.
सो अभी यूएस का अभी पॉलिसी है कि अगर तुम यहाँ से पीएचडी करते हो देन यू कैन गो फॉर जॉब, इवन मास्टर्स भी अगर करते हो तो 2 साल तुम यहाँ पे जॉब कर सकते हो आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन, एंड तुम कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, बी इट इंडस्ट्री और एनी इंस्टीट्यूट. इवन मेरा इंस्टीट्यूट, जैसे मेरे एक प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम चल रहा है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो मेरी अगर पीएचडी कंप्लीट हो जाती है तो मैं इसी प्रोजेक्ट में एज अ पोस्ट डॉक कंटिन्यू कर सकती हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. और अगर मुझे मे बी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इससे तो मैं वहां जाके पोस्ट डॉक, एज अ पोस्ट डॉक मैं काम कर सकती हूँ, एंड वो मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि अभी केवल 2 साल ही हम जॉब कर सकते हैं. इसके बाद अभी करेंटली जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है, गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट कर रही है. अभी नासा हर महीने कुछ ना कुछ नया लाता रहता है, इसरो, किसी भी कंट्री की कोई सी भी स्पेस एजेंसी हो, हर कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. बहुत सारा डेटा है बट उस डेटा को यूज करना, उसको कैसे एप्लीकेशन में लाना है, कैसे उससे इंफॉर्मेशन गेन करनी है, ये अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे चल रहा है. तो अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, नॉट ओनली इन कॉलेज और इसमें ही नहीं, इंडस्ट्रीज में भी काफी इंडस्ट्रीज हैं जो जीआईएस डेटा प्रोसेस करने का सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वहां पे रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जब वो जानेंगे कि कैसे एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन चाहिए, तभी वो उस तरह से डेवलपमेंट करते हैं. देन ऐसी कई सारी ऐसी, जैसे गूगल मैप्स हो गया, दे आर वर्किंग ऑन कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जीआईएस, तो वहां पे भी जीआईएस एक्सपर्ट्स हैं. गूगल मैप हो गए, काफी सारी ऐसी अदर चीजें, जोमैटो हो गया, दैट्स अ जीआईएस एप्लीकेशन, स्विगी हो गया जीआईएस एप्लीकेशन. तो जीआईएस आज की डेट में हर जगह स्प्रेड हो रहा है, चाहे वो कोई छोटा कंट्री हो चाहे बड़ा कंट्री हो, कुछ भी. कोविड का जितना भी सिनेरियो हुआ था तो जो भी मैप कर रहे थे, इतने यहाँ पे, इतने जगह पे कोविड के इतने केसेस आए, यहाँ पे इतना है, एवरीथिंग वाज जीआईएस. अच्छा अच्छा अच्छा. आज के टाइम में जीआईएस की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. हमारे लिए एक और फील्ड ओपन होता है, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना, एंड दैट्स वेरी इजी इन केस ऑफ जीआईएस क्योंकि डेटा ओपन सोर्स, ओपनली अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल हैं, एंड कोडिंग तो बेस्ट चीज है. यू कैन प्रोग्राम एनीथिंग, हम कोई भी डेटा प्रोसेस करना है हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं वो चीज. तो अपॉर्चुनिटीज इस एरिया में अभी काफी हैं, एंड वो हमारे ऊपर है हमें कहाँ जाना है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस. मुझे इंडिया वापस जाना है, मुझे उस टाइम पे लगेगा नहीं मुझे इंडिया वापस जाना है, सो आई कैन डेफिनेटली आई कैन कम बैक टू माय कंट्री, मैं वहाँ पे सर्व कर सकती हूँ. मुझे लगेगा नहीं यहाँ का मुझे वर्किंग कल्चर अच्छा लग रहा है, आई कैन कंटिन्यू हियर. सो दैट विल डिपेंड ऑन मी दैट टाइम. ठीक ठीक ठीक. तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जितने भी बच्चों से मैं आजकल मिला हूं, आज तक मिला हूं, सबसे अगर डिसेंट कहा जाए तो वो अनुश्री है. किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से डिसेंसी के साथ कोई भी एक्शन करना चाहिए. इवन इनका डांस भी बहुत अच्छा रहता था, मुझे आज तक याद है. तो ये एक एग्जांपल सेट किया है इन्होंने कि अगर आपको ट्रेडिशनल एकेडमिक्स में से या जॉब से हटना है इधर उधर, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि किस तरह से आप अलग एरियाज में भी जा सकते हैं. तो और कोई मैसेज अनुश्री अगर देना चाहती हो, ये वो बच्चे जिनका नॉर्मल इंजीनियरिंग या मेडिकल में मन नहीं लगता है, तो वो किस तरह से क्या कर सकते हैं, मतलब इधर उधर जैसे तुमने एक एग्जांपल सेट किया है, तो उनके लिए कोई अगर मैसेज थोड़ा सा देना चाहो तो दे सकते हो. मेन थिंग जो मैं कहूंगी वो ये है, वो करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले. बिल्कुल सर. कभी भी ना पैसे के पीछे भागो, ना फेम के पीछे भागो, ना ही किसी ने कुछ कह दिया उस चीज को फॉलो करो. नहीं, वो करो जिसमें तुम्हें खुशी मिल रही है. तुम वो करोगे जिसमें तुम्हें खुशी मिल रही है तो तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश रहेंगे. बिल्कुल सही बात है. क्योंकि तुम तभी दुनिया को खुश कर पाओगे, तभी, क्योंकि अल्टीमेटली तुम जो भी कर रहे हो तुम सोसाइटी के लिए कर रहे हो. तुम अगर डॉक्टर हो तुम सोसाइटी के लिए हो, तुम इंजीनियर हो तुम सोसाइटी के लिए हो, तुम कुछ भी हो तुम सोसाइटी के लिए हो. तो सोसाइटी को खुश रखने के लिए खुद को खुश रखो, और जब तुम खुद को खुश रखोगे तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली तुम्हारे लिए क्या है फ्यूचर में. आज ही मैं सोचती हूँ कि अगर मैं यूपीएससी निकाल देती, आज मैं कहीं पे आईएफएस बन जाती,
मे बी मेरे पास आराम होता, मेरे पास बहुत पैसा होता, मेरे पास सरकारी गाड़ी होती, लेकिन शायद मैं तो खुश नहीं रहती, क्योंकि अब मैं बाउंडेड होती काफी सारी चीजों से. आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि आई लव ट्रैवलिंग. मैंने यूरोप के मेजर पार्ट्स घूम लिए हैं, काफी सारे कंट्रीज घूम लिए हैं. अभी मैं यूएस में हूँ, कोविड नहीं होता तो शायद मैं अभी यहाँ पे भी काफी कुछ एक्सप्लोर कर चुकी होती. तो मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, मैं वो कर रही हूँ. मुझे पता है कि इसके बाद अगर मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिली तो भी मैं सेटिस्फाइड रहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स डेवलप करी हैं. मैं खुद से कुछ भी कर सकती हूँ आज के टाइम पे अपने फील्ड में. सो जो भी कर रहे हो उसमें कंप्लीट अपने स्किल्स को डेवलप करो, नॉलेज लो जितना नॉलेज मिल पाए. इट्स नॉट अबाउट तुम अगर डॉक्टर बन रहे हो तो तुम्हें बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए. नहीं, कई बार हिस्ट्री पॉलिटी का नॉलेज होने से तुम कई ऐसी जगह पे स्टैंड ले पाते हो, कॉन्फिडेंट हो पाते हो जहाँ पे तुम्हें सही में उस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है. क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज होगा तो तुम्हारे पास फैक्ट्स होंगे, तुम्हारे पास फिगर्स होंगे, और वो आज के टाइम में बहुत हर कोई अप्रिशिएट करता है वो चीज. तो डू वट एवर यू फील, हाँ इससे मुझे खुशी मिलेगी. दैट्स द ओनली थिंग जिससे मैं आज तक जीती आई हूँ, बचपन से आज तक. मम्मी पापा की सुनी नहीं कभी मैंने, वही किया जो मुझे करना था. लेकिन हाँ, उनको कभी डाउन नहीं फील होने दिया. उनको हमेशा उनको समझाया कि मुझे ये करना है, उन्होंने समझा. मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स, मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना मैं आज यहाँ पे नहीं हो पाती. मेरे साथ के कई बच्चों ने शादी कर ली एंड दे आर सेइंग कि उनके मम्मी पापा ने कराई. नहीं, इट्स ऑल योर विश, कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता. डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो तुम्हारा विश है, जो तुम्हारी इच्छा है, जिससे तुम्हें खुशी मिले, बिकॉज योर हैप्पीनेस इज द बेस्ट थिंग, जो मोटिव होना चाहिए किसी का. तो बहुत अच्छा लगा हमें आज कि अनुश्री हमारे इस वीडियो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आजकल के बच्चों को भी बताया कि किस तरह से वो अपना कैरियर इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं. और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस इनसे पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. तो मैं और अनुश्री कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें. अनुश्री बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर. आई रियली लव्ड इट कि मेरे स्कूल टाइम के टीचर मुझे इस लायक समझ रहे हैं. दैट्स व्हाट अ स्टूडेंट वांट. दिस इज द ओनली थिंग जो आज तक जो भी किया वो रिपे आज हुआ मेरा. आई फेल्ट लाइक दैट. थैंक यू सो मच सर.